देर इज़ नो बेटर लीग देन प्रीमियर लीग एंड आई स्वेर कल जो हमने मैचेस देखे ना भाई काबिल तारीफ थे देखो शुरुआत तो मैं ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड से ही करूँगा बट इस वीडियो में आगे चल के हम लेवरपूल वाले गेम की और डेफिनेटली चेलसी के ऊपर भी डिस्कस जरूर करेंगे ये फोटो देख रहे हो आप दिस डिफाइन्स मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आई वॉज रियली इमोशनल जब ये ये सीन हुआ ऑब्वियसली बातें लिशा की इंजरी हुई बहुत सारी चीज़ें हुई बट यूथ करेज सक्सेस ये मोटो रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड का सिंस द बस्बी डे डेज और आप ये देखो कितना पोएटिक है कि कल आप बोलोगे सिक्स फेबररी है 1958 फिफ्टी सिक्स फेबररी को ही हमने अपने म्यूनिकर डिजास्टर में फर्स्ट टीम के आठ प्लेयर्स खोए थे एंड हमारी एकेडमी कितना बड़ा रीज़न रही हमारी सक्सेस का ये आप अगर यूनाइटेड की हिस्ट्री के पन्ने पलट के देखोगे आपको समझ में आएगा एंड यूनाइटेड की इस फोटो में आपके तीन यंगस्टर्स जिसमें से कि दो यंगस्टर्स आपकी अकेडमी बने हुए निकले हैं गर्नाचो जिसको हम पंद्रह साल की उम्र में एथलेटिकों से लेकर आए और तीन साल हमने उसको ग्रूम किया अपनी अकेडमी फिर वहां से ग्रेजुएट करवा के हमने उसको फर्स्ट टीम में प्रमोट किया एंड कोबी मेनो बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स वोन देअ फर्स्ट आप बोलोगे यूथ एफ ए कप अभी जब आपके दो साल पहले ये प्लेयर्स आपके अंडर नाइनटीन में खेल रहे थे एंड देन अब आप देखो यही सेम प्लेयर्स आपके अब प्रमोट होकर फर्स्ट टीम को लीड कर रहे हैं बाय एन एग्जांपल कोबी मेनो स्कोरिंग दी विनर अगेंस्ट वूल्स एंड देन आप बोलोगे घरना स्कोरिंग ब्रेस अगेंस्ट आप कल वेस्ट हैम के अगेंस्ट और ये जो परफॉर्मेंस निकल कर आई है ना आई थिंक ये इस सीजन की सबसे कन्विंसिंग परफॉर्मेंस है जीते हम एवर्टन के अगेंस्ट भी थे थ्रीन एल लेकिन जिस तरह से हमने गेम कंट्रोल किया है जिस तरीके से हमने यहां पर वेस्ट हैम को होल्ड करके रखा और वेस्ट हैम की स्ट्रेंथ पर उनको मौका नहीं दिया कल जब हम प्रिव्यू बना रहे थे तो हमने यही डिस्कस किया था कि यार देखो फ्री किक्स वगैरह मिलेंगी ना अगर कॉर्नर्स वगैरह मिलेंगे तो यहां पर वेस्ट वेस्टैम सूचक और अपने कर्ट जूआ को टारगेट करके हमें डेफिनेटली टेस्ट करने की कोशिश करेगी अब आप डेविड मॉइस के अगर स्टेटमेंट सुनोगे आपको लगेगा नहीं भाई डेविड मॉइस ने बोला है कि रिजल्ट डिफाइन नहीं करता परफॉर्मेंस क्या है ठीक है स्टैटेस उठा उठाकर देखोगे आप यहाँ पर आप बोलोगे भाई वेस्ट टाइम को गोल स्कोर करना चाहिए था वेस्ट टाइम डिजर्व टू तो गेट समथिंग आउट ऑफ दिस गेम बट अल्टीमेटली जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो सारे के सारे आपके रिजल्ट ओरिएंटेड हैं और रिजल्ट जिसके फेवर में जाता है जितना वही डिजर्व करता है यूनाइटेड ने जो चांसेस बनाए क्लिनिकल थे वो आप बोलोगे जो का गोल आया मतलब आप बोलोगे डिफ्लेक्शन पर आ गया बट देन अगेन हमने जो भी गोल स्कोर किया आप चाहे हॉलैंड वाले गोल की बात करो एंड वही बात है अब मीडिया एक वक्त पर जब रेसमस हॉलैंड के एंड से गोल्स नहीं निकल रहे थे उसको बुचर कर रही थी इवन हम लोग भी डिसपॉइंटेड थे क्योंकि हमने इतनी हेफ्टी फी पे की लेकिन वो जो पहला गोल उसका विला वाले गेम में आया है सिंस दैट गोल ही हैज एंड लुक्ड बैक और बैक टू बैक प्रीमियर लीग गेम्स में आप देखो गोल स्कोर कर रहा है वह बंदा चार मैच लगातार हो गए वे रेसमस हॉलैंड हैज बीन ऑन द स्कोर शीट विला वाले गेम में फिर स्पर्स वाले गेम में फिर अभी वूल्स वाले गेम में एंड नाउ अगर आप बात करोगे यहां पर कल वेस्ट वाले गेम में हर अन कल वाला गोल आई थिंक अभी तक के जितने भी गोल उसने स्कोर किए उसमें सबसे बेस्ट था क्यों क्योंकि उसमें पूरा उसका जो आप बोलोगे फुटबॉलिंग ब्रिलियंस से वो हमें देखने को मिला ही स्कोर दैट गोल विद वीकर फुट तो बेसिकली यहाँ पर जो अभी हम देख रहे थे कि हमारे फ्रंट लाइन में जो प्लेयर्स है काफी वन डायमेंशनल है अगर हम स्पेशली एंटनी वगैरह की बात करें बट यहाँ पर नंबर नाइन के तौर पर वो जो प्रेजेंस हम चाहते हैं राशि सलिन के एंड से वो हमें देखने को मिली है यूनाइटेड इस विक्ट्री के साथ वेस्टाइम से ऊपर भी आ गया लेकिन पूरी मैच की जो आप बोलोगे जो खुशी थी पूरे मैच का जो मजा था जो एक्साइटमेंट लेवल था वो किल हो गया लेसांद्रो मार्टिनेस की इंजरी से अब मैं इसको किस्मत बोलूँ या जो बोलूँ देखो एंड आई गॉट रियली इमोशनल मैं कल स्ट्रीम पे रोने भी लगा था जब लीचा वेंट डाउन मुझे समझ में आ गया था एज सुन एज ही वेंट डाउन आई न्यू ही इज आउट और अब हमें इस जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तो तक हमें लीचा की इंजरी की सिवियरिटी नहीं पता है बट दे इज अज पॉसिबिलिटी दैट लिस्रो मार्टनेस माइट नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट फॉर द नेक्स्ट टू मंथ्स इट्स लुकिंग वेरी वेरी सीरियस अगर आप टेनहेक के स्टेटमेंट्स पढ़ोगे वो भी यही बोल रहा है इट्स नॉट लुकिंग गुड वी कैन ओनली प्रे एंड देन लिसानद्रो मार्टनेस की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो देखकर समझ में आ गया ही वेंट डाउन उसने कोशिश भी की कंटिन्यू करने की बट वापस से उसको बैठना ही पड़ा एंड अल्टीमेटली हमें उसको सब्सिट्यूट करना पड़ा अच्छा कल के गेम में अगर आप देखोगे कि तो लीचा के होने से कितना डिफरेंस आ जाता है पिछले दो गेम में आपने प्रीमियर लीग के लिसानद्रो मार्टस को स्टार्ट करवाया एंड जब तक लीचा पिच के ऊपर रहा तब तक आपकी जो मिडफील्ड थी वो बहुत बैलेंस थी और ओनाना का जो परफॉर्मेंस था वो लीचा की वजह से बहुत अच्छा देखने को मिला हमें डेफिनेटली हम वूल्स के अगेंस्ट गोल कंसीड कर गए लेकिन उसमें बेचारा ओनाना करता क्या एक्सेप्ट फॉर द थर्ड गोल बाकी गोल्स पर तो हमारी डिफेंस का वो कोलेप्स हुआ था चाहे आप पहले गोल में बात करो वहाँ तो हमने पेनल्टी दे दी फिर उसके बाद दूसरे गोल पर हम सेट पीसेज में इतने ख़राब हैं वूल्स के अगेंस्ट हमने वो नहीं कर पाया कंट्रोल उसको बट वो चीज़ जो हमने वूल्स के अगेंस्ट की थी वो गलती हमने वेस्ट टाइम के अगेंस्ट नहीं दोहराई लीचा के होने से आपकी मिडफील्ड बैलेंस रहती है आपके जो सेंटर बैक पार्टनर थे अगर आप बोलो पिछले गेम में रफाल वरान उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई एंड डेफिनेटली यहाँ पर आज के गेम में आप बोलोगे जो एक टाइम पर हमें डाउट था तो अपने दिमाग में कि क्या मैगवायर और लीचा साथ में खेल सकते हैं आई थिंक आपको तारीफ करनी पड़ेगी भाई खड़े होके हैरी मैगवायर की कि किस तरीके से लास्ट सीजन इतना शिट आप बोलोगे ट्रीटमेंट मिलने के बाद फ्रॉम द फैन बेस और जिस तरीके से हम सेविया वगैरह के अगेंस्ट बाहर हुए थे तो काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी थी एनी टाइम पर यूनाइटेड टू गेट रिड ऑफ हिम बट उसने अपनी इंपॉर्टेंस और उसने अपनी वैल्यू इस बार जस्टिफाई की है इस सीज़न में और लगा नहीं कि है हैरी मैगवायर पिछले डेढ़ महीने से हमारे लिए खेल नहीं रहे थे इंजरी के चलते बाहर बैठे थे क्योंकि कल के गेम में जिस तरह से आप बोलोगे बॉल डिस्ट्रीब्यूशन किया है हैरी मेग्वेयर ने गेम को रीड किया एक्सेप्ट फॉर दैट वन मिस्टेक जहां पर उसने पोजीशन लूज कर दिया था और हम काउंटर पे आ गए थे वन वी वन सिचुएशन में बट अदर देन दैट सिचुएशन पूरी गेम में मुझे मेगवेयर की एक गलती याद नहीं है एंड आप बोलोगे कल के मैच का मैद मैच कौन रहा आई थिंक इट हैज टू बी डिएगो डेलो देखो जब देर देर वर देर वर डेज जहाँ पर डिएगो डेलो की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही थी तब मैंने यहाँ बैठकर बोला था कि डिएगो डेलो के साथ आप बेसिकली सीजन बेहतर नहीं कर पाओगे अगर डेलो की परफॉर्मेंसेज ये रहती हैं लेकिन कल जब लीचा चला गया उसके बाद तो इट लुकड लाइक के डेलो वॉज अ पोजेस्ड मैन एंड डेलो वॉज लिटरली एवरीवेयर ही वॉज गोइंग फॉर दोज टैकल्स ही वॉज गोइंग फॉर दोज ब्लॉग्स ही वॉज इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ इन द मिड फील्ड वो ड्रॉप कर रहा था बार बार इन्वर्टेड फुल बैक की तरह देन ही वॉज मेकिंग दोज ओवरलैपिंग रन तो बेसिकली कल पहली बार डेलो की टेन ऑन टेन परफॉर्मेंस देखने को मिली है और सिर्फ इतना ही नहीं सिर्फ डेलो नहीं अगर आप बात करोगे गर्नाचो ने जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस डिस्प्ले की को भी मेनू वंस अगेन एंड विद ईच गेम कैसेमीरो इज ब्रिंगिंग बैक हिज यूजल सेल्फ वो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कैसेमीरो से कल हमें वो परफॉर्मेंस देखने को मिली अभी तक की पूरी इस सीजन की अगर सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस बैलेंस परफॉर्मेंस चाहे टैक्टिकल साइड पे देखो सब्सिट्यूशन साइड पे देखो एंड इवन आफ्टर कमिंग ऑन एज अ सब इवन एंट्री लुकड गुड फॉर दैट मैटर तो डेफिनेटली कल जिस तरीके से टीम प्लान की गई थी वो एग्जीक्यूशन लेवल हमें देखने को मिला और उसके बाद रिजल्ट भी हमें वो मिला जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यूनाइटेड अभी माइनस वन के जी डी पे जरूर है बट वी कैप्ट क्लीन शीट वी स्कोर थ्री गोल्स एंड वी वर द डोमिनेंट टीम पूरे गेम में ओल्ड फेल्ट लाइक अ फोर्ट्रेस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इट्स अ परफेक्ट ट्रिब्यूट फॉर द बस बी बेस जैसे कि मैंने बोला भाई दिस पिक्चर डिफाइंस मैनचेस्टर यूनाइटेड इज नो बेटर फीलिंग फॉर अ यूनाइटेड फैन फॉर और फॉर एनी फैन जब उसके अकेडमी के बंदे यू नो परफॉर्मेंस ड्रॉप करते हैं रीजन बनते हैं जीतने का या फिर आप बोलोगे जब अकेडमी के बंदे या फिर आपके यंगस्टर्स जो हैं वो आपके लिए मैच जिताते हैं और कल हमारे जो तीन गोल आए हैं तीनों के तीनों में हमारे यंगस्टर्स का कांट्रीब्यूशन रहा है एंड डेफिनेटली आप बोलोगे ब्रूनो की पहले हाफ की परफॉर्मेंस वॉज नॉट दैट गुड बट सेकेंड हाफ में आकर ब्रूनो ने अपना परफॉर्मेंस लेवल अप किया लुक शॉर लुक गुड देन आप बोलोगे ओनाना ऑल्सो मेड प्रिटी गुड सेफ्स रेसफोर्ड थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ लग रहा था बट धीरे धीरे रेसफोर्ड का भी जो रिदम है पिछली साल वाला वो हमें देखने को मिल रहा है देयर वर सम गुड टेक ऑन एज वेल फ्रॉम रेसफोर्ड्स एंड तो मैं सेटिस्फाइड हूँ बट एक ही चीज है कि जब चीजें सही होती दिख रही थी जब आपको पता चला कि भाई टेनहेक को अगर उसके फर्स्ट टीम के प्लेयर्स दिए जाएंगे तो जो लास्ट ईयर उसने किया है वो वापस से वो चीज रेप्लीकेट कर सकता है उसी बीच में लीचा को इंजरी हो गई आई एम जस्ट होपिंग आई एम जस्ट प्रेंग कि लीचा की वो इंजरी ज्यादा सीवियर ना हो लीचा ज्यादा लंबे टाइम के लिए बाहर ना बैठे क्योंकि अगर हम यहां पर टॉप फोर अभी भी चेस कर रहे हैं और देखो अनरियलिस्टिक जरूर है लेकिन लेट्स अज्यूम सिचुएशन जहाँ पर हम अगले पाँच छः मैचेस लगातार जीतते हैं आई आई नो की जो सिचुएशन है हमारी जो परफॉर्मेंस रही है उसमें पाँच गेम लगातार जीतना बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा बट अगर हम करते हैं तो अभी भी होप छोड़नी नहीं है हमें हमें अल्टीमेटली अपने गेम पे फोकस करके अपने मैचेस जीतने और उसके बाद ऊपर बैठी टीम में अगर पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे तो हमारे लिए वो एक ब्लेसिंग हो जाएगी बेसिकली हमारे लिए वो बोनस है बट टू बेसिकली मेक योर कंपीट फॉर दैट सिचुएशन यू हैव टू कीप ऑन विनिंग गेम्स जो कि टेनहैक को अगर फर्स्ट टीम दी जाएगी तो डेफिनेटली हो सकता है बट हाँ यहां से अगर मैं अब यूनाइटेड की परफॉर्मेंस थोड़ी सी साइड रखूँ उसको हम शाम में लाइव स्ट्रीम पर डिस्कस भी कर लेंगे लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिवरपूल की परफॉर्मेंस की बात करूँ बाई आई थिंक जो लिवरपूल की कल परफॉर्मेंस थी हम में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिवरपूल ऐसा खेलेगा और हम में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आर्सेनल इतना डोमिनेंट खेल जाएगी अब देखो ये गेम टाइटल शेपर था आपके लिए एक तरीके से अगर आप इसको गेम को आपने देखा होगा आपने टेबल देखी होगी तो आपको पता था कि यहाँ पर मैन सिटी के पास एक गेम इन हैंड है उनका गेम अभी जो होने वाला है वो काफ़ी आसान होने वाला है दे विल क्लैप देयर ओपोनेंट और इस वक्त पे जो लिवरपूल के अराउंड एक सेंटीमेंट्स बिल्ड हुए कि भाई अर्गन क्लॉप ने अनाउंसमेंट कर दिया कि वो इस इस सीजन के बाद जाने वाले हैं तो ये एक परफेक्ट गुड बाय वाला सीजन हो सकता है यर्गन क्लॉप के लिए और पता नहीं अगली बार लेवरपूल कब इस लेवल पे आकर कंपीट कर पाए नए मैनेजर के साथ अभी चेल्सी के अगेंस्ट परफॉर्मेंस अच्छी थी तो सबको लगा कि आर्सनल के अगेंस्ट भी सेम परफॉर्मेंस आएगी लेकिन कल जो लेवरपुल की परफॉर्मेंस थी दैट वॉज नॉट गुड बिटवीन द लाइन्स इतने एक्सपोज हुए आप तीनों गोल पर उनके डिफेंडर्स को ब्लेम करोगे इट वॉज आर्सनल्स ब्रिलियंस पूरे बिल्डअप में लेकिन अगर मैं गोल्स की बात करूं

वो आप बोलोगे एरर था बेसिकली तीनों डिफेंसिव एर ही थे पहले पे आपने ए, उसको देखा वर्जिल एरर करते हुए दूसरे पे आपने वर्जिल वेंडेक और एलिसन की मिली भगत देखी एंड तीसरे पर हाफ टन पे ट्रोसार्ड ने बीट कर दिया एंड देन एलिसन नटमैक हो गया तो वहां पर डिफेंसिव जो था शेप लेवरपूल का इट वॉज ऑल ओवर द प्लेस एंड एक्सेप्ट फॉर दैट सेकेंड हाफ का दस मिनट का स्पेल जो हाफ शुरू होते ही लेवरपूल ने डोमिनेट किया था वहां पर लग रहा था कि यार आसनल बिल्कुल ही सेटबैक झेल कर आई है क्या ये फर्स्ट हाफ के आखिरी मिनट में गोल कंसीड करके तो इनके बिल्कुल ही शोल्डर्स ड्रॉप हो गए बट अगर आप उस पूरे गेम में से वो दस मिनट का स्पेल निकाल दोगे आई थिंक लिवरपूल वर नेवर इन द गेम एंड आसनल ऑल दो Arsenal, आप बोलोगे कि एरर्स के, एरर के चक्कर में लीड मिली उन्हें लेकिन आसनल प्लेड बेटर फुटबॉल आसनल क्रिएटेड मोर क्लिनिकल चांसेस आसनल लुक्ड लाइक अ टीम जो कि एक विजन एक प्रिपरेशन करके आई थी ओपोनेंट को रीड करके आई थी और उन्होंने जिस तरीके से बिटवीन द लाइन्स गेम ऑपरेट किया ना भाई दैट वॉज टू गुड टू सी एंड देन अगेन आप बोलोगे यहाँ पर मार्टिन एली ने जिस तरीके से कल ट्रेंट एलेक्जेंडर को आ, ट्रीट किया है कल फ्लैंक्स के ऊपर आई थिंक वो ट्रेंट के लिए काफ़ी कंसर्निंग था अब यहाँ पर आपको पता है कि लिवरपूल के पास जो एक एडवांटेज था बेसिकली क्वेश्चन था लीड का वो अब जा चुका है और यहाँ पर आसनल भी अब कंटेंशन में आ गई है टाइटल फाइट के लिए अब देखो होगा क्या कि जब अभी आसनल और मैन सिटी का मैच होगा ना तो अगर आसनल ने वहां पर मैन सिटी को पटक लिया और अभी मैन सिटी और आपकी लिवरपूल का जो हेड टू हेड फिक्सर है जब वो होगा वो पूरे लीग का इस साल का सिनेरियो डिसाइड कर सकता है एंड देन अगर आप बोलोगे ये जो सिटी हो ये आपकी चेल्सी हो गई ये यूनाइटेड हो गई और ये स्पर्स हो गई ये तीन ट्रेडिशनल टॉप सिक्स क्लब वो हैं जिनको अभी रिटर्न फिक्शन इन तीनों टीम से खेलना है बेसिकली तो ये किसका बेसिकली खराब कर सकते हैं सीजन अगर मैं यूनाइटेड की बात करूं देखो हमने मैन सिटी को होम पर फेस किया हम हार गए लेकिन हम लिवरपूल से खेले अवे और हम उनको ड्रॉ करके रोक के लेके आए तो अभी हमें अब एनफील्ड विजिट नहीं करना है हमें यहाँ पर इनको ओल्ड ट्रैफर्ड पे फेस करना है तो अब क्या यूनाइटेड यहाँ पर लिवरपूल का रन रोक सकती है ठीक है और यहाँ पर आसनल जब ओल्ड ट्रैफर्ड आएगी तो क्या यूनाइटेड ने जो लास्ट ईयर उनके अगेंस्ट किया था क्या वो वापस से रेप्लीकेट कर पाएंगे अब इस पर चीज़ें ये भी डिपेंड करती हैं कि उस वक्त पे यूनाइटेड की टीम में उनके फर्स्ट टीम के प्लेयर्स कितने अवेलेबल हैं क्योंकि हमारे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा इंजरी के चलते बाहर बैठे हैं लेकिन कल के गेम का जो रिजल्ट आया है आई डोंट थिंक लिवरपूल किसी और को ब्लेम कर सकती है उस रिजल्ट के लिए क्योंकि उनकी खुद की गलती थी एंड वो नहीं प्रिपेयर करके आए अब यगम क्लॉप की टीम से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि वो इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे इतने कम्पलेसेंट हो जाएंगे लेकिन हाँ कल वो कम्प्लेसेंसी देखने को मिली है आई थिंक ग्रेविन बर्ग वॉज वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर्स ऑन द पिच एंड ग्रेविन बर्ग की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी एंड फिर वही वाली बात आ जाती है कि ये पहली बार नहीं हो रहा अगर आप फुलम वाले गेम की भी बात करोगे जो वो इवेंचुअली जीत गए थे एनफील्ड के ऊपर जो उनका मैच था उस मैच में भी कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि यहाँ पर उनके परफॉर्मेंस जो थी ग्रेविन बर्ग की जो फर्स्ट राउंड था एफए कप का उनका उस मैच उस कैरबॉ कप का उस मैच में भी वो अच्छे नहीं थे तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप बोलोगे सवाल उठने लाजमी है लिवरपूल के फैंस नाराज़ भी होंगे अपनी टीम की परफॉर्मेंस से लेकिन मैन सिटी के लिए ये बोनस वीक है यहाँ पर आपने देखा कि मैन सिटी अभी लिवरपूल से एक्सपेक्ट करी थी कि वो पॉइंट्स ड्रॉप करें तो उनके लिए वो भी हो गया वो अपना फिशर आराम से अगर आज जीतते हैं तो डेफिनेटली दिल टेक आप बोलोगे मैसिव मैसिव एडवांटेज इन द लीग और यहां पर अब लिवरपूल के पास जो आप बोलोगे क्वेश्चन था वो उन्होंने खुद ब्लो अवे कर दिया लेकिन इस पूरे सिनेरियो में आसनल गुपचुप तरीके से अब टाइटल रेस में आ चुकी है अब आसनल के पास वो लास्ट ईयर वाला आप बोलोगे क्वेश्चन नहीं है दिल हैव टू फाइट एवरी वीक दिल हैव टू ट्राई एंड विन देयर गेम्स एवरी वीक लेकिन हाँ ये है कि बहुत टाइम के बाद प्रीमियर लीग का जो एक टाइटल फाइट है जो टाइटल चार्ज है वो इस साल देखने में मजा आएगा अब देखो सीन ऐसा है कि ऑलरेडी आप लोग चेल्सी की परफॉर्मेंस देख चुके हो बैक टू बैक गेम्स में यहां पर चेल्सी ने चार गोल कंसीड किए हैं अच्छा यूनाइटेड ने जब पिछले मैच में तीन गोल, दो गोल तीन गोल कंसीड किए थे वूल्स के अगेंस्ट तो एवरी वन वॉज ट्रोलिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड के अरे भाई लो टू गोल की लीड ब्लो अवे कर दी और ये कर दिया वो कर दिया एंड वी वर प्लेइंग अवे ठीक है चेल्सी होम पर खेल रही थी एंड चेल्सी ने पहले एक गोल की लीड ली लेकिन उसके बाद वो चार गोल कंसीड कर गए एंड इस वक्त पे अगर मैं चेल्सी की बॉडी लैंग्वेज देखूं तो वो पॉजिटिनों की बॉडी लैंग्वेज को रिफ्लेक्ट करती है क्योंकि एक मैनेजर की जो फिलॉसफी एक मैनेजर की जो आइडेंटिटी एक मैनेजर की जो मेंटेलिटी है वही सेम मेंटेलिटी आपको प्लेयर्स में वही सेम मेंटेलिटी आपको क्लब फंक्शनिंग में देखने को मिलती है एंड वहाँ तो पूरी मिली भगत चल रही है क्योंकि यहाँ पर आप बोलोगे हायर की भी बैठे लोग जो हैं वो इतने गलत डिसीजन ले रहे हैं कोई ट्रांसफर आप लेकर आ रहे हो देखो पैसा खर्च करना ही सब कुछ नहीं होता पैसा ग्लेयर्स ने भी खर्च किया लेकिन किन एरियाज में किया किन प्लेयर्स के ऊपर खर्च किया वो डिपेंड करता है जितना अमाउंट हमने खर्च किया पिछले दस साल में उतना ही अमाउंट आपकी मैन सिटी ने खर्च किया लेकिन मैन सिटी कौन से प्लेयर्स को लेकर आई मैन सिटी ने कितनी ट्रॉफीज जीती और हम कौन से प्लेयर्स को लेकर आए कितने प्लेयर्स लेकर आए और हमने क्या देखा वो वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस और इस वक्त पर वही एक चीज़ है कि एक टीम मैं नेट स्पेन की बात नहीं कर रहा लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं उन्होंने जो पैसा खर्च किया मार्केट में जाकर एक बिलियन का राउंड उन्होंने पैसा खर्च किया है और उसके बाद उनकी टीम इस तरह इस तरह से खेल रही है जैसे उनको फुटबॉल खेलने ही नहीं आता एक मैनेजर जो कि जाना जाता है अपने यंगस्टर साथ काम करने के लिए वो मैनेजर नहीं कर पा रहा काम और देखो इस वक्त पे जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास हांसी फ्लिक अवेलेबल है आपके पास एंटोनियो कॉन्टे अवेलेबल है और आपके पास सबसे बड़ा फिगर इस वक्त पे अवेलेबल है वो है जोजे मोरिन्यो अब जोजे को लोग ट्रोल करें कि अरे जोजे कैसे स्पर्स के साथ नहीं किया देन रोमा के साथ नहीं किया सोचो अपने सबसे खराब फेज में भी रोमा जैसे क्लब के साथ वो बैक टू बैक यूरोपियन फाइनल्स खेल कर आया जिसमें कॉन्फ्रेंस लीग जीता है और सेविया वाला गेम जो हारा था वो डैट वॉज डाउन टू रेफरीज मिस्टेक उसमें पेनल्टी मिलनी चाहिए थी इस वक्त पे चेल्सी फुटबॉल क्लब नीड्स अ मेरिकल मैन नीड्स अ मेंटेलिटी मॉन्स्टर एंड दैट इज ओनली पॉसिबल जब आप जोजे मोरीनो को लेकर आओ अब इस वक्त पे कितना और टाइम देने के लिए तैयार है यहां पर चेल्सी फुटबॉल क्लब पॉजिटिनो को मुझे नहीं पता बट इवन एज एन आउटसाइडर अगर मैं पॉचेटिनो को देख रहा हूं अभी डगाउट में बैठा हुआ अगर मैं पॉजिटीनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस सुन रहा हूं अगर मैं पॉजिटिनो को सब्सटीट्यूशन करते देख रहा हूँ मुझे किसी भी तौर पर वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है पौस्ट, की बॉडी लैंग्वेज में कि हाँ ये बंदा कंट्रोल कर सकता है चीजें ये बंदा चीजें इम्प्रूव कर सकता है अब चेल्सी फैंस पिछले दो साल में अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे कि अब्रामोविच के, के बाद डिफिकल्ट टाइम आएगा लेकिन ऐसा टाइम आएगा आई डोंट थिंक किसी चेल्सी फैन ने एक्सपेक्ट किया था और देखो एक रीज़न था कि अब्रामोविच जब जा रहा था वाई द एंटायर प्रिमी लीग राइवल फैन बेस वॉज सेलिब्रेटिंग क्योंकि उनको पता था कि चेल्सी की सक्सेस में कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है एब्रोविच का आप पिटर चेक की बात करो मरीना ग्रेनस्काया की बात करो जो भी पूरी फंक्शनल बॉडी स्ट्रक्चर था चेल्सी का वो कितना ज्यादा सटीक था आप उनका रिक्रूटमेंट देखो पिछले 20 साल का आपको पता चलेगा कि जब तक एब्रोविच का एरा रहा तब तक रिक्रूटमेंट का पॉलिसीज क्या थी रिक्रूटमेंट का स्ट्रक्चर क्या था वे ऑफ डीलिंग वे ऑफ गोइंग इन द ट्रांसफर्स क्या था एंड फिर वहां पर नो नॉन सेंस मैनेजरल अप्रोच क्या था इस वक्त पे चेल्सी एफ गॉन सॉफ्ट चेल्सी में अब आप बोलोगे कि बिजनेस माइंडसेट के साथ चेल्सी इस क्लब को रन किया जा रहा है एंड बार बार वही ये चीजें एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश जो यूनाइटेड ने किया आपके एडवर्डवर्ड के साथ या फिर आपके माइकल एडवर्ड्स के साथ कि हम बड़े नाम के पीछे जाएंगे लेकिन हम ये नहीं देखेंगे कि उस प्लेयर की जरूरत है भी या नहीं है आप अपने सेलेबल एसेट को बेचने के चक्कर में आप अपनी टीम का जो बैलेंस है वो बिगाड़ने को तैयार हो साइनिंग टू मेनी प्लेयर्स इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम साइन साइन एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव साइंस सो मैनी यंगस्टर्स तो कोई प्रॉपर बैलेंस नहीं है अभी तो इस वक्त पर जो कुछ गलत हो सकता है चेलसी क्लब के साथ वो सब गलत हो रहा है और इन चीजों को सही करने के लिए आपको पर लेवल पर सही बंदे बिठाने पड़ेंगे लेकिन इस वक्त पर अगर चेलसी वाकई में इस फेज से निकलना चाहती है दिल हैव टू चेंज देर माइंड सेट दिल हैव टू चेंज द मैनर इन विच दे आर वर्किंग राइट नाउ और उसके लिए आपको राइट right मैनेजर बिठाना पड़ेगा अभी इस वक्त पे पॉचिटिनो हो सकता है गलत प्रूव कर दे सबको एंड पॉचिटिनो अगर रुक जाए तो सीजन के एंड तक वो इंप्रूव कर दे चीजें एंड नेक्स्ट सीजन में बूम चेल्सी आर बैक इन द टाइटल रेस बट वो बोलने में अभी इतना रियलिस्टिक फील ही नहीं हो रहा क्योंकि हमें कोई भी पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है तो चेल्सी फुटबॉल क्लब को यहां पर बहुत बड़ा डिसीजन लेना है डेफिनेटली और अब उसके बाद उनका क्या अप्रोच रहेगा बेसिकली ट्रांसफर मार्केट में जाते में कितना फंड्स उनके हाथ में रहेंगे जोजे को लेकर आओगे कम से कम एक उम्मीद रहेगी कि हाँ हो सकती चीजें पॉजिटिनों को देखकर अभी उम्मीद भी नजर नहीं आ रही कि भाई कैसे करेंगे ये बेसिकली बट आ कमिंग बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड देखो यार बहुत हफ्ते बीत गए थे जब हमने अच्छी फुटबॉल देखी थी लास्ट ईयर के बाद से मैच डे कोई ऐसा नहीं रहा जहाँ पर हमने बैठ कर किया क्योंकि जितने भी गेम्स हम जीते भी हैं ना एक्सेप फॉर वन और टू उनमें कभी हमारी परफॉर्मेंस जो थी इतनी कन्विंसिंग नहीं थी जहाँ पर हर एक प्लेयर अच्छा खेला हो बट कल के मैच में आप बोलोगे हर एक प्लेयर अच्छा खेला होपफुली लीचा की इंजरी ज़्यादा सीरियस ना हो हमें सीजन में लीचा को देख पाएं क्योंकि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स आ रहे हैं और ये जो बिजनेस एंड ऑफ द सीज़न होता है इसमें अक्सर टीम्स फंबल करती हैं और उस पूरे स्नेलो के बीच में अगर यूनाइटेड की फर्स्ट टीम अवेलेबल है वी कैन डेफिनेटली कैपिटलाइज ऑन दैट सिचुएशन एंड टू विन ईच एंड एवरी गेम हमें हमारी बेस्ट इलेवन चाहिए और उस बेस्ट इलेवन का सबसे इंपॉर्टेंट फिगर अगर कोई है दैट इज दो मार्टनेस दैर इज द रीजन वाई आई क्राइड लास्ट नाइट एंड दैट वॉज ड्यू टू आप बोलोगे यू नो इमोशन एंगल जो लीचा के साथ है बिकॉज ही इज़ वन ऑफ दी प्लेयर जो कि अडोर करता है क्लब को फैन बेस को अडोर करता है वो इंटरव्यू जो उसने दिया था बिकॉज दिन पहले वैन यू वीयर द टर्श नो वीयर दर्जी यू हैव टू फील द बैज और क्या एक्सपेक्टेशन लेवल है तो होपफुली चीज़ें सुधर पाएँ हमारे लिए एंड लीचा की इंजरी इतनी एग्रेसिव ना हो इतनी सिवियर ना हो बट डेफिनेटली आपके क्या ख्याल थे कल इन तीनों मैच मैच डेज को लेकर वो बताइए मुझे कॉमेंट सेक्शन में अगर आपको वीडियो पसंद आई है अगर आपको मेरे ओपिनियंस अच्छे लगें तो प्लीज़ मेक श्योर दैट आर सब्सक्राइबिंग टू वन एम सी एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड हिट दैट बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन विद दैट आई टेक ए लीव मिलते हैं अगली वीडियो में तब के गुड बाय टेक केयर हैप्पी बर्थडे टू बड़े भैया सू